तो दोस्तों आपका फिर से एक हमारी नई वीडियो में आपका मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने फीड के बारे में, जो हम लोग अभी फीड यूज़ कर रहे हैं, जो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि हम लोग एक नया फीड यूज़ कर रहे हैं और उसका रिव्यू आप लोग के कमेंट। सोचा कि आज ये जानकारी आपको दे देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ठंड का मौसम जो हो रहा है, जैसे मौसम ठंड हो रहा है, 2 दिन बारिश हुआ, मौसम पूरी ठंड हो गई, किसी तरह का गाय में हाँफ वगैरह नहीं है, हाँफ नहीं रही है, प्रॉब्लम गर्मी से नहीं आ रहा है, तो हमारा दूध जो है, आज का जो दूध है, पहले का दूध जितना भी रहता था उससे 3 kg प्लस हो गया 1 टाइम में। अभी इवनिंग का टाइम बाकी है, तो इससे पता चलता है कि अगर हम इस फीड का गर्मी में यूज़ कर रहे हैं तो इतना है, अगर ठंड में यूज़ किया जाए तो हो सकता है और ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फीड अगर कोई भी हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका सिर्फ दूध से मतलब नहीं है, उसका हर चीज़ में रिजल्ट दिखना चाहिए। जैसे गाय पशु का जो होता है, मिल्क वाले पशु, उसका BCS डाउन करता है मिल्किंग समय, तो वो चीज़ को भी देखते हुए हम लोग उसी का फीड यूज़ करेंगे जिसका रिजल्ट ये सब चीज़ देखते हुए भी रहेगा। सिर्फ आज के दौर में बात क्या किया जाता है कि आपका फीड जो खिला रहे उसका दूध इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, दूध के पीछे नहीं भागना है आपको, हर चीज़ को उसका सबसे पहले मेंटेनेंस देखना है कि आपकी गाय कौन सी फीड से मेंटेनेंस बरकरार रखती है, जो बॉडी जिस हाल में वो बच्चा दी थी उससे क्या प्रोग्रेस में है या डाउन किया है, ये चीज़ को केयर करना जरूरी है। अगर ये चीज़ आपका फीड जो भी फीड वाला रखता है तो ये समझिए कि वो फीड बढ़िया है और उसे यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लोग जैसे ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले भी साल एक साल पहले भी फीड यूज़ किया करते थे, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वजह से हम लोग छोड़ दिए थे और फिर अपना फीड यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम लोग अपना जब फीड बनाना स्टार्ट किए, मिनरल बढ़िया यूज़ किए, तो हम लोगों को बहुत काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिला। जैसे कि हमारे पशु जो दुबली पतली दिखती थी, कम खाती थी, वो सब बढ़िया खाने लगी और बढ़िया शाइनिंग वगैरह है जो आप देखते हैं हमारे वीडियो में, बछिया जो भी देख लीजिए, गाय जो भी देख लीजिए, वो सब बढ़िया रहता है। लेकिन एक हाई मिल्किंग के लिए हम लोग अपने से फीड तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को न्यूट्रिशन को मालूम नहीं रख पाते उतना जितना हम लोगों को हाई मिल्किंग के लिए न्यूट्रिशन मेंटेनेंस करना होता है, वो चीज़ जानकारी हम लोगों को नहीं है अभी। उसके लिए जो फीड वाले होते हैं वो डॉक्टर को पेमेंट कर अपना फीड फॉर्मुलेशन बनवाते हैं और उसके बाद अपने हर एरिया में अपना सेल कर रहा हूँ फीड। वो कोसी पशु आहार है, इसका रिजल्ट जो है मैं देख रहा हूँ, तो दूध पहले जो था जैसे मैं अपना फीड खिलाता था उससे बढ़ा ही था, लेकिन गर्मी जो इतना ज़्यादा हो रहा था कि और मैक्सिमम नहीं हो पाया, लेकिन अभी 1 महीना समथिंग हो रहा है और इसका रिजल्ट मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं चाहा कि आपको लेट से बताया जाए ताकि कुछ रिजल्ट दिखेगा तभी मैं बताऊँगा, उससे पहले नहीं बता सकता। तो चलिए आज हम पूरी जानकारी बैक कैमरा करके आपको देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। मैं अपने फार्म का हर चीज़ बताता हूँ जो सच्चाई है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे। थोड़ा सा इस फीड के बारे में रुका इसीलिए था कि उसका रिजल्ट पहले देख लूँ फिर आपको बताऊँ, ताकि आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले हम जर्सी जो हमारी गाय का BCS बहुत ज़्यादा डाउन किया था, इस गाय को हम देख लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको खुद से समझ में आ जाएगा। जो हमारा रेगुलर व्यूवर्स होंगे उनको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हाँ ये गाय में प्रोग्रेस है या नहीं, वो खुद नीचे कमेंट्स में बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 महीना 1.5 महीना से 2 महीना इसका सेमेन डालकर होगा और इसका बॉडी वेट जो है पहले से गेन किया है। इस गाय के बारे में बात करते हैं तो हम इसका भी हम रिजल्ट बढ़िया बताएंगे, इसलिए कि जब ये दोबारा हीट में आई थी, जैसे पहला हीट हमने छोड़ा था इसका, दोबारा हमने जो AI किया था उसमें ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा की थी, कैल्शियम का कमी है, इसके वजह से ये कंसीव भी नहीं की और इसका डिस्चार्ज बहुत आया था, इसलिए मैं सोचा कि इसका BCS जो है, कैल्शियम जो है कम है, इसके वजह से ये गाय कंसीव भी नहीं कर सकती और इसको सेमेन लगाना सही नहीं रहेगा। लेकिन तीसरी बार जो हीट में आती है इसको हम लोग AI नहीं किए और उस वक्त हम लोग चेक किए कि इसका डिस्चार्ज कितना आ रहा है, डिस्चार्ज जो है पहले से कम हो गया, जो फीड है वो खा नहीं पा रही है, जितना हम लोग देना चाह रहे हैं खिलाना चाह रहे हैं वो खाना पसंद नहीं कर रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ज़रूर। अगर वो खाने पे आती है तो मैं समझता हूँ कि बढ़िया हो सकता है, लेकिन इसका भी पहले से मुझे कुछ सही लग रहा है। भैंसों में अगर मैं बात कर लेता हूं तो भैंसों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि फीड टाइम से नहीं खा रही है, जिस वक्त हम लोग मिल्किंग करते हैं उसी वक्त हम लोग फीड खिलाते हैं, उस वक्त ये खा नहीं पा रही है, अभी मैं दिया हूं तो खा ली है, तो कल से इस तरह का करके देख रहा हूं कि बेटाइम खिला रहा हूं, जैसे अभी अकेले खड़ी है तो इसको दे दिया जितना देना है डोज इसका, तो दिया तो खा ली है, तो इसी वजह से हो सकता है कि इन लोग का भी दूध पहले से जो बीच में कम हुआ था अभी इन लोग का भी बढ़ा है। इस गाय के बारे में बात कर लूँ तो इसका भी 6-11-12 लीटर पे आ गई है, जो कि 8-9 लीटर पे थी पहले फीड यूज़ करने से पहले, तो इसका तो अभी कुछ शरीर से अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। और अभी 4-5 दिन से हम लोग इस बच्चे को भी स्टार्ट किए हैं फीड, पर बच्चे पे 1/2 kg हमने स्टार्ट किया है 1 टाइम में, काफ स्टार्टर अभी नहीं दिए हैं, इस यही फीड इसको खिला रहे हैं। काफ स्टार्टर हम लोग नेक्स्ट ईयर से प्लान करेंगे कि खिलाना है, क्योंकि जब हमारा ये सब बछड़ियों का सेमेन जो बढ़िया बढ़िया WWS का आएगा उस वक्त हम लोग फिर फीड पे आ जाएंगे।
पूरे फार्म के अंदर जो हमारा फीड खाने वाला है 17 से 18 पशु है। ये फीड है, ये देखिए खा रही है अभी, लेकिन टाइम से नहीं खा रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि मिल्क उतार चढ़ाव होते रह रहा है। टाइम से खाने लगेगी तो भैंस भी मैं समझता हूँ कि 1.4 1.5 वन टाइम में कर सकती है। तो ये फीड आप देख सकते हैं, ये कोसी पशु आहार है, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसका मैं दाना दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं इसका दाना इस तरह का है। तो रिज़ल्ट दिखा है, हम लोग रेगुलर अभी यूज़ करेंगे, 1-2 महीना और यूज़ करके देखेंगे कि इसका और क्या रिज़ल्ट बढ़िया मिलता है। अगर बढ़िया लगेगा तो हम लोग इसी को यूज़ करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।